हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीज फूड। तो आज की जो रेसिपी है वो है समर सीजन स्पेशल गाढ़ी मलाईदार और ठंडी ठंडी लस्सी। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस चार चीज़ों से ये लस्सी बन जाती है, एकदम गाढ़ी और मलाईदार। तो चलिए शुरू करते हैं। दही, ये मैंने होममेड दही लिया है, चीनी, मलाई और आइस क्यूब। तो सबसे पहले हम ये दही निकाल लेंगे इसमें, और ये बिल्कुल ही प्योर होममेड दही है। इस दही की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से इस दही की रेसिपी भी देख सकते हो और घर पर ही होममेड दही बना सकते हो। शुगर, ये मैंने यहाँ पर 4 चम्मच शुगर लिया है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम चीनी का यूज़ कर सकते हो। आइस क्यूब्स, ये मैंने 6 आइस क्यूब का यूज़ किया है यहाँ पर। अब हम इसके हेल्प से दही को अच्छे से फेंट लेंगे। आई डोंट नो कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अगर आपको किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह के विस्क का भी यूज़ कर सकते हो दही फेंटने के लिए। अब इसे अच्छे से इस तरह से फेंट लेना है हमें। ये मैं बिल्कुल ही गाढ़ी दही बना रही हूँ, तो इसमें मैं पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप थोड़ी सी पतली लस्सी बनाना चाह रहे हो तो आप इसमें पानी का यूज़ ना करते हुए दूध का यूज़ करना। दूध का यूज़ करने से इसका जो टेस्ट है वो बना रहता है। इस लस्सी को मैंने करीबन 2 से 3 मिनट तक ही फेंट लिया है, और उसमें ही ये लस्सी जो है अच्छे से बन चुकी है। क्योंकि ये जो मैंने दही इसमें यूज़ किया है वो फ्रेश और होममेड दही था, बिल्कुल क्रीमी दही था, इसलिए ये जो लस्सी है वो जल्दी बन गई है, बिल्कुल गाढ़ी लस्सी बनी है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो लस्सी को ग्राइंडर में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप ग्राइंडर में ये लस्सी बना रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि दही को जो है आपको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। ज़्यादा ग्राइंड करने से आपकी जो लस्सी है वो लस्सी जैसी नहीं बनेगी। लस्सी बन चुकी है तो अब इसे हम ग्लास में निकाल लेंगे, ऊपर से मलाई ऐड कर देंगे इसमें। मलाई के लिए कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी मलाई इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी मलाईदार ठंडी ठंडी और गाढ़ी लस्सी बनकर रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।